मोदी जो कहता है वो करता नहीं, वो विलोम बोलता है। जो कहता है उसका उल्टा करता है वो। अगर रोजगार का आगे दूंगा तो वो देने का नहीं, और झूठी बोल रहा है। पूरे देश को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी भ्रष्ट, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार पूरे देश में 70 वर्षों में अभी तक आई नहीं। इनकी कथनी करने में बहुत ज्यादा फर्क है। ये जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं है। तो अगर रोजगार की या कोई और अपेक्षा इनसे की जाए वो न्याय संगत नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, विचार, लूट, डकैती जैसी हत्याएं आम हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कुछ दिनों के लिए और रहती है तो लोगों को दो जीव की रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। 10 साल इनको हो गए, उस हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन रोजगार मिलना तो अलग, अब तो रोजगार जो है लोगों का खत्म हो गया। कितने लोगों की नौकरी चली गई। एक इन्होंने अग्निवीर लाए 4 साल की, वो लाए उसमें लोग परेशान है। 4 साल में नौकरी भी करनी है, रिटायरमेंट भी हो जाए, कब गए कब आए पता ही नहीं। मोदी तो झूठे वादे करता है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा, 15 लाख खाते में गिरूंगा, फलाना करूंगा, ढिकड़ा करूंगा, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अन्नदाता होता है किसान, किसान का कर्जा माफ नहीं, बिजली के बिल माफ नहीं, किसान की जो दुगनी आमदनी करने की बात थी वो भी नहीं हुई। किसान इतना हताश हो चुका कि जो भुखमरी की कगार पे है। जिस मुल्क का देश का किसान भुखमरी कगार पे हो, अन्नदाता होता है, जब वो परेशान है तो सारी जनता परेशान है। युवा को रोजगार नहीं, बेताशा महंगाई हो गई। अभी कोई किसी को रोजगार नहीं मिला, इससे इस देश में किसे रोजगार मिल रहा भाई साहब, पैसे वाले रखे रहे फिलहाल। देश के अंदर हालात बद से बदतर हो गए, गरीब और गरीब हो गया, और जो उद्योगपति थे, जो उनके दाएं बाएं हाथ हैं भाजपा वालों के, वो इतने अमीर हो गए। आप पूछिए उन बच्चों से जिन्होंने तैयारी की, जिनकी उम्र निकल गई, जिसकी बच्चे की उम्र 23 साल थी और आखिरी लास्ट उसका जो है मौका था उसको नौकरी का, उसने तैयारी की, पैसा खर्च किया, दिन रात मेहनत की, और क्या मिला उसको? पेपर डी भ्रष्टाचार में डूबे हुए। जो राहुल गांधी कहते हैं पूरा भी होगा, ये मोदी की गारंटी नहीं है, खोखले वाली ये गारंटी दे दी और उसमें है कुछ नहीं, है ना, अंदर से ऊपर से थैला फूला हुआ दिखाया, चिप्स नहीं होती, चिप्स भरा हुआ दिखता है, 4 चिप्स निकलती अंदर से, वो है मोदी खान, है ना, थैला भरा हुआ दिख रहा अंदर कुछ नहीं। लेकिन राहुल का ऐसा नहीं, कांग्रेस अगर गारंटी ले रही है तो करेगी। ये लोगों को पता, आप किसी भी यहाँ जितने लोग जा रहे हैं उनमें से किसी बुजुर्ग आदमी को भी पकड़ोगे तो उनका विश्वास है कि कांग्रेस ऐसा करती है, क्योंकि 10 साल में जो मोदी जी ने झूठ बोला है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। आप देखोगे कि वो अपनी जो बात करते हैं और अपनी बात से वो पलट जाते हैं। आज लोगों का उनके प्रति विश्वास खत्म हो चुका है और लोग जो है त्रस्त हैं। आप अभी देख रहे थे इनकी, आप लोगों ने बाइट ली है, ये लोग जो है परेशान हैं। आज इनके पास रोजगार नहीं है, क्या 5 किलो अनाज से इनका पेट भर पाएगा? क्या 5 किलो अनाज में ये पूरा खानदान पाल लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इनको जो है दाल भी चाहिए, इनको तेल भी चाहिए, इनको सारी चीज़ की आवश्यकता है। खाली 5 किलो अनाज से कोई पूरा पटने वाला नहीं है। पहले कभी कांग्रेस की सरकार तो कैल्शियम भी देती थी, चीनी भी देती थी, सारी चीज़ें देती थी। आज केवल चावल और अनाज दे के जो है लोगों को भकाया जा रहा है। एक बेरोजगार सबके लिए फिलहाल तो देश बेकार हुआ पड़ा है, और बेचारे जवान जवान आदमी ठल्ली फिर रहे, जिन्हें तनख्वाह मिलने में बेचारे बेकार बेरोजगार हो रहे। आदमी करे कुछ, हो जाए कुछ, अभी कोई किसी को रोजगार नहीं मिला, इससे इस देश में किसे रोजगार मिल रहा भाई साहब, पैसे वाले भी रखे रहे फिलहाल। रोजगार के मुद्दे की बात करें तो उस गंभीरता से कोई भी चर्चा नहीं हुई है। जो गरीब किसान है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, और महंगाई और भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है। बीजेपी ने हमें दलित समाज को कुछ भी नहीं दिया, और सर्व समाज के लिए भी कोई ऐसी खास बात नहीं की बिल्कुल भी। 2 करोड़ की बात तो छोड़ दो, 1 लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया। मोदी तो झूठे वादे करता है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा, 15 लाख खाते में गिरूंगा, फलाना करूंगा, ढिकड़ा करूंगा, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा आज तक किया है सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के हित की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के राज में सारे वादे पूरे हुए हैं, एक भी वादा झूठा नहीं हुआ है। आज के टाइम में किसान के पास बीज बोने की भी गन्ना नहीं है, गन्ना भी बाहर जाना था। मैं कहता हूँ 1400 रुपये क्विंटल माँ पत्ती बोलेंगे खरीद के चलाए, तब बीज पैदा कर देंगे। मोदी जी के हम आज तक कोई भी सुविधा खाद्य के अंदर नहीं बढ़ी, और खाद्य के अंदर नहीं भारत में नहीं बढ़ी। किसानों का ये देश है, अन्नदाता होता है किसान,
किसान का कर्जा माफ नहीं, बिजली के बिल माफ नहीं, किसान की जो दुगनी आमदनी करने की बात थी वो भी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि किसान इतना हताश हो चुका कि भुखमरी की कगार पे है। और जिस देश का किसान, मैं भारत देश की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क का देश का किसान भुखमरी कगार पे हो, अन्नदाता होता है, जब वो परेशान है तो सारी जनता परेशान है। युवा को रोजगार नहीं, बेताशा महंगाई हो गई, घरेलू महिलाएं जो अपना घर चलाती हैं, वो 400 450 का सिलेंडर होता था, वो पहुंच गया 1000। देश के अंदर हालात बद से बदतर हो गए, गरीब और गरीब हो गया। और जो उद्योगपति थे, जो उनके दाएं बाएं हाथ हैं भाजपा वालों के, वो इतने अमीर हो गए। देश में इतने बुरे हालात हैं आज की तारीख में, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, नौकरियां नहीं लग रही हैं, और जो रिक्त पद पड़े हैं देश के अंदर 30 लाख रिक्त पद हैं, कतई तौर पे उनको भाजपा नहीं रखने को राजी है। तो इसलिए जो है यहाँ की जनता ये चाह रही है, बदलाव की बयार चल रही है। यहाँ की जनता बहुत दुखी है, आहत है। जितनी फैक्ट्रियों में मजदूर थे, जो लोग नौकरियां कर रहे थे, सबको बाहर करने का काम किया है। बेरोजगारी आज युवा जो है भटक रहे हैं, और वो पढ़ लिखने के बाद जो है प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप पकौड़े तलो, तो ये तो लोग चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े और पढ़ के इनसे नौकरियां मांगे। दूसरी बात, जब बच्चे को पढ़ाने लिखाने पे इतना खर्च माँ बाप कर देते हैं तो उनको घर में बोझ लगता है। बेरोजगार जो है, रोजगार है नहीं। फिर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ आ गई है कि हमारा क्षेत्र जो है ये मिनी पंजाब बन गया है नशे। सबसे बड़ी आपने ये, और ये जो सरकार रोजगार की बात करेगी, नौजवानों की बात करेगी, वही सरकार इस बार आएगी। भाजपा का तो देख लिया इस बार, अब सब नौजवान हो या किसान हो, सब जो है इस बार कांग्रेस के। आप पूछिए उन बच्चों से जिन्होंने तैयारी की, जिनकी उम्र निकल गई, जिसकी बच्चे की उम्र 23 साल थी और आखिरी लास्ट उसका जो है मौका था उसको नौकरी का, उसने तैयारी की, पैसा खर्च किया, दिन रात मेहनत की, और क्या मिला उसको? पेपर लीक, भ्रष्टाचार में डूबे हुए। बात करती है पार्टी केवल जो है भाजपा मुद्दों से हटाकर, लुभावने वादे दिखाने की, लोगों का बेवकूफ बनाने की, जुमलेबाजी की बात करते हैं। पूरे देश को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी, भ्रष्ट, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार पूरे देश में 70 वर्षों में अभी तक आई नहीं। इनकी कथनी करने में बहुत ज्यादा फर्क है, ये जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं है। तो अगर रोजगार की या कोई और अपेक्षा इनसे की जाए वो न्याय संगत नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, लूट डकैती जैसी हत्याएं आम हो गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कुछ दिनों के लिए और रहती है तो लोगों को दो दिन की रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। इनका कमाने का तरीका है, 150,000 नौकरी इन्होंने निकाल देते हैं, 2 करोड़ बच्चे उसमें 1-1 हज़ार रुपये का पैसा देकर के फार्म भर देते हैं, अपने ही एक आदमी से उसको आउट करा देते हैं, भर्ती निरस्त कर देते हैं, 2 करोड़ रुपया ये कमा लेते हैं, तो जनता का लिया हुआ पैसा जनता में खर्च कर देते हैं। तो इनकी क्या उपलब्धि है? कोई उपलब्धि नहीं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम पेट्रोल 35 रुपया लीटर देंगे, दे दिया क्या? इन्होंने ये भी कहा था कि गैस सिलेंडर हम बहुत सस्ता दे देंगे, दे दिया क्या? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रही है, देशवासी ये नहीं समझ पा रहे हैं, 300 रुपये का सिलेंडर महंगा लग रहा था, 1200 रुपये का सस्ता लग रहा है, 65 रुपये का तेल इनको महंगा लग रहा था, 100 रुपये का इनको सस्ता लग रहा है। देश किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है लोगों को कब समझ में आएगा? और बैकवर्ड के लिए, SC ST के लिए ये सरकार एक तरह से जहर का काम करेगी। तो हम सभी जनता के लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि भाजपा को भगाओ और कांग्रेस को लाओ। देखिए, मोदी सरकार सब झूठे जुमले वादे करके जो है सरकार बनाई थी, लेकिन अब जनता के बीच में सब चीज आ गई। इन्होंने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम बताया था, और आज 10 साल इनको हो गए, उस हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन रोजगार मिलना तो अलग, अब तो रोजगार जो है लोगों का खत्म हो गया, कितने लोगों की नौकरी चली गई। एक इन्होंने अग्निवीर लाए 4 साल की, वो लाए उसमें लोग परेशान है, 4 साल में नौकरी भी करनी है, रिटायरमेंट भी हो जाए, कब गए कब आए पता ही नहीं। तो ये सरकार से बेवकूफ़ बनाई है। महंगाई इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन क्या, आज जो है 10 साल हो गए, महंगाई और बढ़ती जा रही है। आपका इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, आज तक कोई कर्जा माफ नहीं हो, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का 18 लाख करोड़ रुपया जो है इन्होंने माफ किया है,
और किसानों को कहा था कि आपकी आमदनी डबल करेंगे, लेकिन उनको अपना MSP नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए लड़ाई उन्होंने दिल्ली में लड़ी। 13 महीने वो वहाँ बैठे रहे, 800 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए, लेकिन इस सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़, इन्होंने जो है 15 लाख का लोगों से वादा किया था कि हर के खाते में 15 लाख रुपया जो है आएगा, और जो काला धन की बाहर है वो और बढ़ता जा रहा है। वो हमारे देश में नहीं आया, लेकिन वहीं जो है काला धन जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार एक तरह से बिल्कुल फेलियर सरकार है, सिर्फ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, बाकी और बात ये कुछ नहीं कर रही है, विकास पे इसका कोई ध्यान नहीं। मोदी जो कहता है वो करता नहीं, वो विलोम बोलता है, जो कहता है उसका उल्टा करता है वो। अगर रोजगार कागज दूंगा तो वो देने का नहीं, और झूठी बोल रहा है। वस्तुस्थिति आपके सामने इस समय प्रत्यक्ष में, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सारे मिले फैक्ट्रियां लगभग बंद हो चुके हैं, हवाई है 15-15 लाख खाते में आ चुके हैं हम लोग के। अच्छे दिन आप देख रहे हैं कितने आ चुके हैं, और क्या चाहिए? नहीं, मोदी जी झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं। जो भी रोजगार मिला है वो सब कांग्रेस गवर्नमेंट को मिला है, और आगे वो मिल सकता है। अगर अगर ये सत्ता में आई कांग्रेस गवर्नमेंट, तो जनता के लिए बहुत कुछ काम होंगे, विकास के कार्य होंगे। और मोदी जी विकास के बारे में झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बेचारे परेशान हैं, महंगाई से जनता परेशान है, महंगाई पे कंट्रोल करेगी। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आई तो जनता की भलाई के लिए जो है बहुत कुछ काम होगा। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कौन सा मुद्दा नहीं है? आप हर मुद्दा एक, इतने हमारे युवा रोजगार है, बेरोजगार हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, दूसरे भर्ती निकलती है फिर कैंसिल हो जाती है। अब यूपी में देख लो आप क्या हुआ है ना, कितने लोगों ने फार्म भरा फिर भर्ती कैंसिल होगी, यहाँ भी कैंसिल हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। अगर ये 100 रुपए राजीव गांधी ने तो नियम ले आए वो तो, कि पेपर लीक हो तो नियम लाएंगे पूरा, MSP लागू करेंगे, बेरोजगारों को 1 लाख रुपया देंगे, और सर एक बात और बताओ आपको, जो राहुल गांधी कह देंगे पूरा भी होगा, ये मोदी की गारंटी नहीं है खोखले वाली, ये गारंटी दे दी और उसमें है कुछ नहीं, है ना, अंदर से ऊपर से थैला फूला हुआ दिखाया, चिप्स नहीं होती, चिप्स भरा हुआ दिखता है, 4 चिप्स निकलती अंदर से, वो है मोदी का, है ना, थैला भरा हुआ दिख रहा अंदर कुछ नहीं। लेकिन राहुल का ऐसा नहीं है, वो चाहेगा करेगा। पहली कांग्रेस सरकार रही, भाईचारे से लोग रहते थे, प्यार से रहते थे, है ना, धर्म के नाम में कभी वोट नहीं मिला, अब सारा बुरा हाल हो रहा है। तो मिले 15 लाख रुपए ही कहते मोदी ने तो, काला धन भी मंगा रहा था, जो काला धन के लिए लड़ रहा था। और रामदेव का हाल देख लो क्या है, ऐसे लोगों को पाल रखा मोदी ने, रामदेव भी जेल में जाएगा कुछ दिन बाद, है ना, कोर्ट ने कोर्ट बेस हो गया। तो मेरा कह रहा 8,000 करोड़ रुपए लिया मोदी ने चंदे के नाम पे, कहां से, और ऐसे लोगों ने चंदा लिया, अखबार पढ़वा, मेरी आमदनी 10 रुपए, मैं दे रहा हूँ 100 रुपए चंदा, क्यों भाई कहां से आया मेरे पास 100 रुपए, मैं 10 ही रुपए तो दे सकता हूँ, 100 रुपए कहां से दूंगा चंदा। बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे जिन्हें पैसा है नहीं, चंदा दे रहे हो करोड़ करोड़ रुपया, 8,000 करोड़ सबसे तो मोदी का। बेरोजगारी मैडम इतना बड़ा मुद्दा है कि 83% जो युवा बेरोजगार है वो इतना परेशान है कि अगर वो धरना प्रदर्शन नहीं दे रहा है तो सरकार उस पर जो है लाठीचार्ज कर रही है। और देश में भूखमरी है, 2011 में जो हंगर वर्ल्ड हंगर की रिपोर्ट आई थी तो उसमें जो है हमारा जो देश है 54वें नंबर पर था। आज जो है इस देश की हालत है कि 111वें नंबर पर हमारा देश है। इससे हम अंदाजा और आप लगा सकते हो कि हमारे देश में कितनी भुखमरी है और आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। और मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का ही है मैडम। जो अभी जो है इन्होंने अग्निवीर योजना निकाली थी 4 साल के लिए, केवल एक माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करते हैं विदेश की केवल के लिए में भेज देते हैं, तो उसके बाद जो है 4 साल के बाद वो क्या करेगा। तो ये ऐसी सारी योजनाएँ सब फेल योजनाएँ हैं सरकार की, और इस बार सरकार जो है कांग्रेस की आ रही है और भाजपा जा रही है। इन राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं वो पूरे करके दिखाए हैं, और ये 5 गारंटी जो न्याय की दी है वो निश्चित ही तौर पे कांग्रेस पार्टी पूरा करने का काम करेगी। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया, मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका